वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं ये वाला व्लॉग बहुत स्पेशल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि इस वाले जो बेडरूम के कर्टेंस हैं वो रात को आ गए थे और मैंने रात की रात इसको लगा भी दिया, बट जो आए हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए आप, लाइक शीयर कर्टेन है। सो इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाला जो हमारा बेडरूम है उसको आज मैं पूरी अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। इसके लिए मैंने बेडशीट मंगवाई थी तो वो भी आ गई है। जो जो सामान जहाँ जहाँ से जैसे जैसे आता है ना, मैं उसको तुरंत वैसे वैसे लगा देती हूँ, और यहाँ से पहले ये सारा सामान हटेगा। और इस बेडरूम को मैंने थोड़ा सा, पूरे घर को वैसे मैंने ब्लैक व्हाइट ग्रे ऐसा कॉम्बिनेशन करने का सोचा है, बट इसको मैंने थोड़ा सा व्हाइट एंड ये जो शेड है ना वो करने का सोचा है। ऐसे इसमें ना एसी नहीं है, सो ये थोड़ा गर्म है, बट मैं क्या करती हूँ कि दोनों रूम का जो एसी होता है, अभी मेरा घर जो पूरा फैला हुआ है, इस रूम का एसी ऑन कर दियो एंड इधर एसी ऑन कर दियो, तो ये वाला रूम ठंडा होने में उतना टाइम नहीं लगता है। पहले हम ये सारा जो खलारा है यहाँ से उठाते हैं, फिर हम झाड़ू लगाते हैं। पूरा घर अभी फैला हुआ है तो मैंने एज इट इज़ व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। खाने में आज हमने व्हाइट चने बनाए हैं, इसलिए मैंने खाने का काम है जो सुबह सुबह ही खत्म कर लिया है। और ये दो एप्पल मुझे थोड़ी देर में खाने हैं, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के रखा हुआ है और राइस बना के रख दिए। अब बनानी है मुझे ज्वार की रोटी, वो बनाऊंगी मैं बाद में, पहले हम करते हैं घर का काम। थोड़ा ना मैंने चेक किया था कि कैसा बना है, तो इसको कटोरी को इधर ही रख दिया है। चलो जी, बेडरूम में जाके सबसे पहले जो कपड़े मैंने यहाँ पर रखे, क्या होता है ना शाम को कपड़े सूखते हैं, तो कई बार मैंने इस पे ऐसे फेंक देती हूँ कपड़े, या कुछ मेरा सामान पार्सल आया है या मुझे कुछ भी रखना हो तो मैं बेड पे रख देती हूँ कि ये वाला रूम चलो बंद है, तो सब ना यहाँ पे खिलारा पड़ गया। होता है ना कभी कभी आपका कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर आप ऐसे फेंक देते हो, तो वही सब मैं इकट्ठे कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले कपड़े तैन लगाती हूँ, पहले मैंने सोचा ऐसे उठा के दूसरी जगह रख देती हूँ, मैंने सोचा नहीं यार धीरे धीरे मतलब काम करो और जो करो अच्छे से करो, वहीं से सेटिंग करनी शुरू करो तो आपके घर में चीज़ें सिस्टमेटिक रहती है। तो मैंने बोला नहीं, इसको तय लगा के जहाँ पे इसकी जगह है वहाँ पे इन सबको रखती हूँ, तब फिर जो है घर पूरा मैनेज होना शुरू हो जाता है। और मेरे हाउस हेल्पर आ नहीं रहे हैं, जो आते हैं तो एक हाउस हेल्पर मुझे मिले थे, लाइक मैंने जितने दिन वो नहीं आएंगे उतने दिन वो आएंगे, लेकिन जस्ट बर्तन साफ करके जाएंगे, तो बाकी घर का काम मुझे करना पड़ता है, तो इस वजह से भी बहुत सारा काम मेरा बढ़ जाता है। और यार प्लीज़ मुझे बताना कि जैसे प्रेस का स्टैंड होता है तो इसको आप लोग ऐसे रखते हो खुला ही, या फिर जब ज़रूरत होती है तब आप इसको खोलते हो, तो ये बताना ज़रूर मेरे को, क्योंकि मेरे को इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। बंद करके रखोगे तब तो आलस ही आता रहेगा, फिर तो कभी खोलेंगे नहीं हम लोग, खुला रहता है तो जो भी कपड़े पहनते हैं तुरंत के तुरंत ऐसे लगा लिया, आप लोग बताना। और वैसे मैंने ना पहले सोचा था कि मैं इसको लिविंग एरिया में रखूँ, पर मैंने सोचा नहीं लिविंग एरिया में नहीं, गेस्ट वाला जो बेडरूम है, जो एक्स्ट्रा बेडरूम है हमारा, उसमें रखने वो सही रहेगा। यार कितना सुंदर लग रहा है हमारा बेडरूम, स्पेशली ये वाला पार्ट बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब जिस हिसाब से मैंने इसको सजाया ना, एंड वाइट कर्टेंस तो मस्त लग रहे हैं, मस्त। ऐसा दिमाग में मेरा ना, मैंने पहले कुछ और मंगाया, फिर कुछ और मंगाया, फिर कुछ और मंगाया, सो फाइनली इस रूम का सेटिंग हो गया। ये रूम चलेगा जब थोड़ी सी सर्दी हो जाएगी तब, अदरवाइज़ अगर चलाना है तो दोनों वाला एसी, दोनों एसी ऑन कर लो, फिर इसमें थोड़ी ठंडक हो जाएगी फिर अच्छा लगेगा, या फिर मौसम थोड़ा ठंडा हो तब। लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सजा के रखो, रोज़ झाड़ू पोछा लगता है यहाँ पर, मैं प्रेस करने आती हूँ, लेकिन ना ऐसे उतना नहीं आ पाते जितना कि लिविंग एरिया, किचन एंड अपना वाला बेडरूम। तो मैं थोड़ी सी प्रेस करके कोशिश कर रही हूँ कि देखूँ थोड़ा सा इसका जो बल पड़े हैं चादर पे वो निकल जाए। एक टाइम था मुझे ये वाले कलर उतने अच्छे नहीं लगते होते थे, मतलब न्यूड कलर हो गए या कोई हल्का सा कलर हो गया, मुझे उतने पसंद नहीं थे, लेकिन वाइट कलर मुझे शुरू से बहुत पसंद था। तो मैंने ये कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं अपने पास रखने के लिए कि पहले कैसे लग रहा था हमारा घर और अभी कैसा लग रहा है। मैं खा रही हूँ एप्पल, क्योंकि पहले मेरा मन करा कि काम करने के लिए चाय बना लेती हूँ, मैंने कहा नहीं प्रियंका तो ऑलरेडी 2-3 बार चाय पी चुकी है, और चाय नहीं, इसलिए एप्पल निकाल के मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा था, सो दैट कि मैं भूलूँ ना। वो वाला बेडरूम हमारा पूरा सेट हो गया, इसके बाद अब हम चलते हैं किचन में, लिविंग एरिया में, दूसरे वाले बेडरूम में झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ बाकी पड़ा है, बस बर्तन साफ हो गए हैं, खाना तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, शाम के खाने की तैयारी अभी सोचना नहीं है, अभी पहले ये वाला काम करना है, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी का सोचूंगी। और पानी की बॉटल्स खाली हो जाती हैं तो मैं उसको साथ के साथ भर देती हूँ धो के। एक्चुअली दोपहर के टाइम भी ना मैं जो आरओ होता है ना उसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि भैया ने बोला है कि धूप में इतना पानी गर्म आता है उसका फिल्टर ख़राब हो जाएगा,
जाएगा, तो उसमें जो पानी बचा होता है ना उसको मैं सुबह सुबह भर लेती हूँ, बट आज थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पानी वानी की बॉटल्स भरती हूँ, और डाइनिंग टेबल हमारा थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि मैंने कुकर यहाँ पर रखा हुआ है सब्जी बना के चने की, इसलिए रखा है। यहाँ पर एसी चल रहा है, थोड़ा ठंडा है तो ख़राब नहीं होगा। और पानी की बॉटल्स मैंने मंगाई हुई हैं, एक्चुअली जैसे आए तो मेरी एक बॉटल टूट गई जिसको हाथ से पकड़ सकते हैं, तो फिर ये बड़ी वाली बोतल ही मैंने 2-3 दिन पहले मंगाई, एक मंगाई मैंने कहीं भी टूटी हुई ना आए कहीं, सो ये ठीक ठाक आ गई। अभी 2 मैंने और ऑर्डर किए, 4-5 बोतल भर के रखो ना तो ठंडा रहता है, और डाइनिंग टेबल पे तो पानी पड़ा होता है तो और मन करता है पानी पीने को, और दिन में मैं 3-3.5-4 लीटर पानी पीती ही पीती हूँ चाहे जो भी हो जाए। अभी तक ना ये वाला लगाना है, ये जो शेल्फ है ये मिरर रखे हुए लगाने के लिए, इन पे मिट्टी पड़ गई है, सो ये लगाना है, अभी ये लगाना है, तो मैं किसी ही 1-2-4 चीज़ों का वेट कर रही हूँ ताकि वो आए, फिर मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से सेट करके। और ये 2 लैम्प जो कि जो हमारा बेडरूम है ना उसमें लगाने हैं मैंने, हमारे जो मतलब नया वाला बेडरूम है जिसका अभी गद्दा आएगा फिर वो मतलब फंक्शनल हो जाएगा, उसके बाद उसके साइड टेबल आएंगे जो कि मैंने कब के ऑर्डर करके रखे हैं, तो उसके आने का टाइम 5 जुलाई बता रहा है, तो 5 जुलाई तक इसको ऐसे ही रखना है। और मैंने ये जो वाइट कलर का ऑर्डर किया है ये मैंने होम से एक फ्लिपकार्ट से मंगाया है, वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था बट उस दिन ना मैं बताना भूल गई थी किस ब्रांड का, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छे से आ गया। मुझे ना इसमें बल्ब कौन सा लगे ये नहीं समझ में आ रहा, साइड की डस्टिंग होगी यहाँ की रह गई थी, तो ऐसे तो मैं इसकी करती भी नहीं हूँ डस्टिंग, जब से आया है तब से डस्टिंग ही नहीं करी है, अभी बहुत गंदा सा लग रहा है देखने के लिए। और ये फाड़ फाड़ हमारे दरवाजे बज रहे हैं क्योंकि हवा चली हुई है बहुत तेज वाली हवा। कल ना मैंने इंस्टाग्राम पे एक ना रील डाली, सो उसमें ना मतलब मैं चाय बना रही हूँ, मेरे चाय वाला ये वाला पैन इतना गंदा लग रहा है कि मुझे रील देख के पता चला कि पैन कितना गंदा है, तो मैं आज मैं इसका व्लॉग में साफ कर रही हूँ। वैसे किसी ने कमेंट किया नहीं कि तुम्हारा पैन बहुत गंदा है, बट मैंने नोटिस करा कि पैन बहुत बहुत गंदा लग रहा था ऐसे ही वाला। यार मेरे को ना मैं ना एलिमेंट्री ब्रांड का ना ब्रास का पैन देख रही थी यूज़ करने के लिए, पहले ना हम पित्तल की पतीली यूज़ करते थे चाय बनाने के लिए जब मेरी दादी मतलब थे तो पुराने घर में रहते होते थे, फिर हमको ना पता नहीं किसी ने बोला कि पित्तल का ऐसे नहीं ब्रास का फिर क्या था वो तो ऐसे नहीं यूज़ करना, फिर हमने बंद कर दिया वो यूज़ करना, फिर हम स्टील वाला यूज़ कर, और ये भी विनोद का है, कल मैंने ये शेयर किया था ना आपके साथ परसों कि विनोद के बर्तन बड़े अच्छे हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और चाय बनाएंगे ना जब इसमें तो चाय बना बना के ना तला जो होता है चाय इसका तला बहुत वो हो जाता है गंदा सा, तो ये इतना भारी है ना कि तला आपका जलता नहीं है और इतनी जल्दी से गंदा नहीं होता, तो आपको उतनी जल्दी से इसको साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सच्ची में है विनोद के बर्तनों का, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और चीज़ मैंने उस दिन शेयर करी तो काफ़ी सारे लोगों को लगा और उन्होंने भी यही बोला कि हाँ प्रियंका विनोद के बर्तन सच में बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए मैं आज साफ कर रही हूँ। एक भी किसी का कमेंट नहीं आया मेरे यार, थैंक गॉड किसी ने पकड़ा नहीं, तो बोलेंगे इतनी सफाई करती है बर्तन तो देखो तुम्हारे कितने, क्योंकि लोग मेरे को बहुत बहुत जल्दी से मेरी छोटी छोटी चीज़ों को कैच करके उस पर ना कॉमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसको साफ करना है ये वाला कुकर, क्योंकि इसमें ना हल्की हल्की सी ना कुछ है, तो मैंने वेम डाल के अभी थोड़ी देर पहले रखा, मैं कहा अभी ऐसे इसको साफ करती हूँ, ऐसे ना धीरे धीरे यार, मतलब ऐसे थोड़ी कि अभी आए को एक महीना भी नहीं, एक महीना पूरा हो गया, आज 15 जून है क्या, आज पूरा एक महीना हो गया मुझे इस घर में आए को, तो अब देख लो एक महीने के अंदर हमने कितनी फास्टली कितनी चीज़ों को कवर अप कर लिया। सो इसी तरह से ये जो मेरा घर है ना मुझे इसको
मतलब अब पूरा एक घर वाला फील आता है जैसे हम रात को मूवी देखते हैं, मुझे इसको और अच्छा बनाना है। रात को हमने मूवी देखी, एक दिन हमने हशर देखी, एक दिन हमने DDLJ देखी, तो हर रोज हम मूवी लगा लेते हैं और 10:30-11 बजे मूवी देख के सोते हैं। एक दिन हमने मेरे हाथ में वो वाली मूवी देखी, तो मुझे काफी अच्छी थी ना, वो निकल जाता है, दिन निकल जाता है, पूरा घर जैसे फीलिंग आती है और हमें अच्छा भी लग रहा है कि हमारी लाइफ ना स्टेबल हो गई। नहीं तो क्या होता था ना, हम लोग ना जैसे अगर चंडीगढ़ में होते तो हम लोग हर हफ्ते हिमाचल ही भागे रहना हम लोगों ने, है ना। तो फिर ठीक है, अब थोड़ा सा दूर है, याद आती है, बट अपने घर में अब मैं मस्त हो गई हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं लगता सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना, है ना। तो मेरे को कभी भी ऐसा लगता नहीं कि मैं अकेली हूँ, मुझे अकेलापन है, मुझे अच्छा लगता है अपनी कंपनी को एंजॉय करना, अपने घर को डेकोरेट करना। सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये घर परमानेंट घर है, मीन्स कि यहाँ से ऐसा नहीं कि अब हमको भाई इतने साल बाद चले जाना है या ऐसा है वैसा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एनीवेज अभी मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ फ्लिपकार्ट से ना वो देख रही थी कि बार ना मैं बातें करते करते पता नहीं क्या क्या बोल देती क्योंकि वो दिल से निकलती है ना बातें, ऐसे मैंने कोई लिख के थोड़ी रखा है कि मैंने ये बोलना है या ये बोलना है। तो ना फ्लिपकार्ट से ना मैंने घास नहीं होता जो आर्टिफिशियल, वो मंगाया हुआ है, सो वो कल तक आ जाएगा या परसों तक, ऐसा बताया होता कि 17 या 18 जून तक आ जाएगा, 16 तक, 2-3 मंगाया हुआ मैंने। पर मुझे ना उसमें एक गलती होगी, मेरे को लगता है मैंने डायमेंशन नहीं चेक किया और ऐसे ही ऑर्डर कर दिया। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे अपना बालकोनी का वीडियो भेजा, बट यार एक क्वेश्चन जिसका रिप्लाई किसी ने भी नहीं करा, प्लीज़ इस ब्लॉग में करना। जैसे भी बारिश आने वाली है एंड तूफान चलता, तो इतना सारा तूफान चलेगा तो फिर उसको आप मेंटेन कैसे करते, मतलब हर रोज जैसे बाहर चीज़ें पड़ी हैं, गमले पड़े हैं, वो तो टूट जाएंगे। हिमाचल में कितना हमारा नुकसान हो गया बारिश की वजह से, तो प्लीज़ उसका रिप्लाई करना कि उसमें आप फिर क्या करते हो, या फिर उठा के अंदर रखते हो, या फिर जैसे अगर मुझे घर पे जाना है या मैं हिमाचल चली गई, फिर ये इतना ध्यान तो रख नहीं पाएंगे, तो फिर उस टाइम के लिए आप कैसे मैनेज करते हो प्लांट्स वगैरह को, ये मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि ये वाला साफ हो, नहीं हुआ साफ यार, क्यों नहीं हो रहा है साफ, अभी मुझे लगता है इसको बेकिंग सोडे के साथ साफ करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। जी झाड़ू पोछा डस्टिंग रूम हमारा वो वाला सेट हो गया, अगर सपोज कभी बैठना हो वहाँ पे या कोई आ रहा है तो एकदम से सेट है। बेडशीट वगैरह नीट एंड क्लीन मैंने बिछा दी है, पिल्लो रख दिए हैं एंड थोड़ा सा वहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए चीज़ें रख दी है। और जिस दिन आए थे ना यार आप देखो, ये सेम 15 मई को, तो उस दिन और आज का दिन, कहते होता है ना आप खाली घर को देखो एंड फिर एक ऐसे आप देखो, उतना डिको मतलब डेकोरेशन नहीं हुई है, हो सकता है आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो, बट मैंने अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कर दी है। बाकी अभी जो चीज़ें मंगाई है ना उसको आने में टाइम लग रहा है, कोई जुलाई में बोल रहे हैं, कोई जून एंड में बोल रहे हैं, तो मैं वही बोलती हूँ ना कि घर को प्रॉपर सेटिंग आने में ना टाइम लग जाता है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी बोलते तूने दफराटे से कर दी है, लाइक किचन भी चल रहा है, बेडरूम भी एंड हॉल में भी बैठ सकते हैं, टीवी भी लग गया है, डिश नहीं लगी है। डिश ना डिश वाले भैया आए थे तो भारत ने क्या बोला कि जैसे ये मेरा रूम है ना, तो ना बाहर से ना ये ऑन कर दो, बाहर से ना तार आएगी तो तार वो यहाँ से दिखेगी। तो ये कहते कि नहीं मैं इस दीवार को ख़राब नहीं करना चाहता क्योंकि ये दीवार बहुत ही प्यारी है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं हमारे पास इंटरनेट है सो हम इंटरनेट के साथ ही देख लिया करेंगे तो अच्छा लगेगा। एंड अगली बात क्या करनी थी मुझे कि हाँ हम मैंने कारपेट ऑर्डर करके रखा है 6x8 का है कि 5x8 का है, सो कारपेट नहीं रग, सो मैंने ना उसको मतलब एक जो पैर होता है सोफे का वो उसके यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, सो उसके साथ ना लिविंग रूम का लुक और अच्छा हो जाएगा। एक और चीज़ बतानी थी, ये वाले जो कर्टेंस है इसको इसकी जगह सेम यही वाला कर्टेन मैंने ऑर्डर कर दिया है लंबा वाला, सो वो आएगा, 4 कर्टेन ऑर्डर किए हैं मैंने लंबे वाले, सो वो थोड़े दिन में आ जाएंगे। तो फिर ये वाले जो 2 कर्टेन है ये जाएंगे हमारे दूसरे वाले और यहाँ पे लग जाएगा लंबा वाला कर्टेन, क्योंकि विंडो को अगर थोड़ा लंबा वाला कर्टेन लगाओ ना जैसे अंदर लगाओ तो काफी आपके घर का लुक है वो इनहांस हो जाता है। सो ये वाला एरिया काफी सारा चेंज हो जाएगा, जैसे 2 कर्टेन लग जाएंगे लंबे वाले एंड कारपेट लग जाएगा वो पूरा कवर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती कि ये टेबल मैंने बहुत गलत लिया क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसकी जगह अगर हम राउंड टेबल या कुछ ऐसे लेते ना वो काफी अच्छा लगना था, बट एनीवेज अब जो हो गया वो हो गया, इसको तो हम बदल नहीं सकते। वो 2 कर्टेन्स जाएंगे जो हमने लिविंग
रो में लगाए हुए, या तो मैं इसकी साइड में लगा दूंगी, दो कर्टन बीच में ऐसे रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसकी सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसको ना बांध सकते हो ऐसे करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर जो लंबे वाले मैंने बाहर चार मंगाए ना, तो बाहर तो दो लगेंगे, तो दो लंबे वाले मैं यहाँ पे लगा दूंगी, तो यहाँ का भी जो हमारा कर्टेंस है वो इस तरह से हो जाएगा। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला भी, क्योंकि पता नहीं कब कौन का कब आएगा, तो हम इसको लाइक ऐसे भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो कुछ दिक्कत थोड़ी। ये वाली रोड एंड यहाँ पे एक कर्टन लगेगा, उसके बाद ये घर हमारा बहुत बहुत मस्त लगेगा। मतलब ये वाला बेडरूम, ये देखो बिल्कुल काला नहीं हुआ पंखा, बाकी रूम के पंखे ना काले होने शुरू हो गए। इस ब्लॉग को हम इधर ही एंड करते हैं, ओके, आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना प्लीज थोड़ा सा भी। और मैं यही बोलती हूँ कि मेरे को ना जज ना करना है, बिकॉज हो सकता है एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई हो कि नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए ऐसे ऐसे, तो फिर वो होगा लेकिन टाइम लग जाएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच कि सब जो मैंने घर सजाया ना, इसमें जितना मेहनत मेरी है उतनी मेहनत आपकी भी है, चाहे वो डेकोरेशन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जितना मैंने इस घर के लिए सब चीज़ें करी है ना, उतनी आपने भी मेहनत करी है, मुझे चीज़ें बताई हैं, मेरे लिए सर्च करके भेजा है, इंस्टाग्राम पे भेजा है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग नहीं होते तो मेरे लिए मुश्किल हो जाना था ये सब कुछ, है ना। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।